मॉर्निंग सर, आई नीड योर हेल्प। ये स्कोर्स क्या होता है? सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम, रिड्रेस का आरी कंप्लेंट का सीओ। अमित वोरा एलएनटी कंपनी का मेंबर है, एलएनटी लार्सन एंड टूब्रो, जो ही मेट्रो के प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाती है एंड ऑल दैट, ठीक है। जर्मनी बेस्ड कंपनी है, उसकी इंडिया में सब्सिडरी है। जो एलएनटी कंपनी है, मैं इसका मेंबर हूं। अब एलएनटी ने मेरे को डिविडेंड नहीं दिया, सबको डिविडेंड का चेक आया, मेरे को नहीं आया, क्लियर है। अब मैं एलएनटी को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर मैं इनको बार बार रिमाइंडर भेज रहा हूं, लेकिन एलएनटी कोई जवाब नहीं दे रही, मैं फंस गया। या मान लो एलएनटी की जगह कोई ब्रोकर होता जिसने मेरे से पैसे ले लिए और मेरे को शेयर्स नहीं दिलवा रहा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ कंपनी भी हो सकती है या इंटरमीडियरी भी हो सकता है, एक इन्वेस्टर है जो कंपनी से परेशान है या ब्रोकर अंडरराइटर वगैरह से परेशान है, तो ऐसा बंदा क्या करेगा। तो सेबी ने एक नया इनिशिएटिव लिया, उस इनिशिएटिव का नाम लिखा स्कोर्स, और ये इनिशिएटिव लिया था जून 2011 के अंदर। कंपनी डायरेक्टली नहीं सुनी तो अमित वोरा क्या करेगा, स्कोर्स के पास ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकता है। और अब इस केस में क्या होएगा, अब स्कोर्स मतलब सेबी की नॉलेज में चली गई है बात, अब स्कोर्स की वेबसाइट से इंटरमीडियरी के पास कंप्लेंट जाएगी, जी ऐसे ऐसे आपके अगेंस्ट एक कंप्लेंट आई है और बंदा आपसे बड़ा दुखी है। स्कोर्स ने क्या किया, इमीडिएटली उस कंप्लेंट को आगे फॉरवर्ड कर दिया, और अब कंप्लेंट को फॉरवर्ड किया। अब आप सुनो, पहले तक आप डायरेक्टली कंप्लेंट कर रहे थे कंपनी को, अब बीच में सेबी इन्वॉल्व हो गया, अब कंपनी को सीरियसली वो कंप्लेंट रिजॉल्व करनी पड़ेगी। अब इसके बाद ये जो कंपनी है, ये जो भी एक्शन लेगी वो स्कोर्स को फॉरवर्ड करेगी, उसको बोलते हैं ATR, एक्शन टेकन रिपोर्ट। क्या बोलते हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट, क्लियर है। और फिर उसके बाद अमित वोरा जो है ये स्कोर्स की वेबसाइट पे जाके अपनी रिपोर्ट को ATR को रिव्यू कर सकता है, हां जी कंपनी ने मेरी कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। मतलब कंपनी मुझे डायरेक्टली भी जवाब देगी और साथ में स्कोर्स की वेबसाइट के थ्रू भी कंपनी मुझे जवाब दे देगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब आपको कंपनी डायरेक्टली कोई जवाब नहीं देती है, डायरेक्टली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपकी बातों को कंसीडर नहीं कर रही है, तो आप कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेंट कराने के लिए एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, वहां जा सकते हो, उसका नाम है स्कोर्स, वो सेबी ने बनाया था। जब आप उस सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो वहां के थ्रू जब आप कंप्लेंट करोगे तो डायरेक्टली कंप्लेंट उस कंसर्न कंपनी के पास जाएगी, फिर उस कंसर्न कंपनी को सेबी टाइम देगा कि आप इतने टाइम में इसको रिजोल्व करो। अगर कंपनी लेट करती है तो उसको 1 लाख रुपीज पर डे की पेनल्टी लगेगी टू द मैक्सिमम ऑफ 100 डेज, मतलब 1 लाख रुपए पर डे लगता रहेगा 100 दिनों तक, 100 दिन लगते ही 1 करोड़ हो गया, उसके बाद वो 1 लाख रुपए पर डे की पेनल्टी लगना बंद हो जाएगी। याद रहेगी ये बात, हमें समझ आ रही है कहानी। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्कोर्स क्या है, स्कोर्स एक प्लेटफॉर्म है जो किसने बनाया था, सेबी ने बनाया था। कब बनाया था, जून 2011 में बनाया था। क्यों बनाया था, जब आपकी डायरेक्टली सुनवाई नहीं हो रही तो आप सेबी के थ्रू स्कोर्स के थ्रू कंप्लेंट करो, स्कोर्स के थ्रू जाएगी तो कंपनी उसको सीरियसली करेगी, रिजॉल्व नहीं करती है तो उसको पेनल्टी लगेगी पर डे 1 लाख रुपीज की, जो भी टाइम सेबी ने लास्ट लिमिट दी होगी तब तक उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। वो क्या करेगा, एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाएगा, और वो किसको देगा, आपको भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, साथ में स्कोर्स पे भी उसका जवाब देगा, और आप चाहो तो आप स्कोर्स के थ्रू रिव्यू कर सकते हो कि आपकी कंप्लेंट को कैसे रिजॉल्व किया गया। कहते हैं सर स्कोर्स के फीचर्स क्या क्या है, मेन 4 फीचर्स हैं, अभी आपके मॉड्यूल में 4 दिए गए हैं। पहला, एक सेंट्रलाइज्ड फोरम तैयार हो गया, हाँ या ना। दूसरा, जहां पे आप ऑनलाइन कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हो। तीसरा, एक्शन टेकन रिपोर्ट जनरेट की जाएगी, कंपनी खुद जनरेट करेगी। और चौथा, आप उस रिपोर्ट को रिव्यू कर सकते हो ऑन स्कोर। सेंट्रलाइज्ड फोरम है, कंप्लेंट रजिस्टर करो, एक्शन टेकन रिपोर्ट आएगी आपके पास, और फिर आप उसको रिव्यू कर सकते हो। ये 4 फीचर्स हैं स्कोर्स के जो हमारे मॉड्यूल में दिए गए हैं। ये 4 फीचर्स एक्चुअली में इसकी फंक्शनिंग से ही तो निकले हैं, हाँ या ना भाई। एक सेंट्रलाइज्ड है, सेबी ने स्कोर्स किसी एक कंपनी के लिए थोड़ी बनाया, सारी लिस्टेड कंपनीज के लिए बनाया, सारे इन्वेस्टर इस पे कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, और फिर वो कंप्लेंट फॉरवर्ड होगी, एक्शन टेकन रिपोर्ट आएगी, और कंपनी ने आपकी कंप्लेंट को कैसे रिजोल्व किया आप उसको चेक कर सकते हो। हाउ टू लॉज कंप्लेंट ऑन स्कोर्स, आपने स्कोर्स पे अपनी कंप्लेंट लॉन्च करनी है तो आप क्या करोगे, आप कैसे एक आम आदमी अपनी कंप्लेंट डालेगा स्कोर्स पे। कहते हैं जी सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाओ जिसका नाम है www.scores.gov.in। कहता आप इस वेबसाइट पे जाओ,
कहता अच्छा वेबसाइट पे जाके क्या होएगा, कहता जी वेबसाइट पे जाके एक कॉलम आएगा जिसका नाम है इन्वेस्टर्स कॉर्नर, इन्वेस्टर कॉर्नर। कहता उस इन्वेस्टर कॉर्नर में जाओ और वहां पे जाके कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरो, उसके बाद हम वहां पे फॉर्म को फिल करेंगे और फिल करेंगे और उसमें अटैचमेंट भी लगा सकते हैं। फॉर्म को फिल करो और अटैचमेंट लगा सकते हो 1 MB तक की, कोई भी स्कैन करके कॉपी वॉपी लगानी है लगा सकते हो, ठीक है जी। इसके बाद कहता आप उसको सबमिट कर दो, तो फिर लास्ट में कहता आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए। तो हम सबको समझ आ गया स्कोर्स होता क्या है, फिर समझ आ गया कि स्कोर्स में 4 फीचर्स क्या है और स्कोर्स में कैसे कंप्लेंट लॉज होती है। डन। Audio Jungle.